आज मैं यहाँ श्री कल्याण सिंह जी के अंतिम दर्शन के लिए आया हूँ। श्री कल्याण सिंह जी का इस दुनिया से चले जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उनके जाने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक दिग्गज और हमेशा संघर्षरत रहने वाला नेता खोया है और देश भर के दबे कुचले पिछड़ों ने और विशेषकर उत्तर प्रदेश के दबे कुचले पिछड़ों ने अपना एक हित चिंतक गंवाया है। राम जन्मभूमि आंदोलन के श्री कल्याण सिंह जी बड़े नेता रहे और राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए सत्ता त्याग करने में तनिक भर भी उन्होंने सोचा भी नहीं। जब श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ उसी दिन मेरी बाबूजी से बात हुई थी। बड़े हर्ष और संतोष के साथ बताते थे कि मेरे जीवन का लक्ष्य आज पूरा हो गया। पूरा जीवन उत्तर प्रदेश के विकास को समर्पित रहा, उत्तर प्रदेश के गरीब लोगों को समर्पित रहा और उत्तर प्रदेश को देश का सबसे अच्छा प्रदेश बनाने के लिए वो कार्यरत रहे। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए इतने गरीब तबके से उठकर इतना बड़ा नेता बनना, विचारधारा के लक्ष्यों के लिए जीवन भर संघर्षरत रहना, समाज के दबे कुचले वर्ग के लिए हमेशा अपने आप को समर्पित रखना, ये हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा की चीजें रहेगी। बाबूजी के जाने से राजनीतिक नभ के अंदर और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी रिक्तता निर्मित हुई है और मैं मानता हूं कि रिक्तता को एक लंबे समय तक भर पाना बहुत मुश्किल होगा। आज काफी समय से एक्टिव राजनीति में न रहते हुए भी जिस प्रकार का जनसैलाब बाबूजी को श्रद्धांजलि देने के लिए आया है और विशेषकर युवाओं को मैं यहां पर देख रहा हूं, यही बताता है कि उनके जीवन ने एक गहरी छाप उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक जीवन पर छोड़ी है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बाबूजी को हृदय से श्रद्धांजलि भी देते हैं और उत्तर प्रदेश के दबे कुचले और पिछड़ों के जीवन के उत्कर्ष के लिए हम सब संघर्षरत रहेंगे, इतना ही मैं अभी कह सकता हूं। ईश्वर श्री कल्याण सिंह जी की आत्मा को शांति प्रदान करे और आने वाले कई पीढ़ियों तक वो उनका जीवन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बने, यही बात कर मेरी बात समाप्त करता हूं।
कल्याण सिंह जी के क्या मायने हैं? कल्याण सिंह जी एक व्यक्ति नहीं थे, एक संस्था थे, एक आंदोलन थे। बचपन से उनके दिल में, उनके दिमाग में गरीब, किसान, पिछड़े और शोषित, उनके कल्याण की आज प्रकट होती थी। और वो केवल उनके नेतृत्व में नहीं, उनकी कविताओं में भी प्रकट होती थी। उन्होंने देश के किसानों के लिए पहली बार अधिकार पत्र बनाया था और एक तरह से क्रांति का संकेत किया था। टूटे घेर घरों दे तेरे, टूटी तेरी खटियारे, तेरे घरवाली के तन पर फटी फटाई अंगियारे, अंधियारे में कटे जिंदगी बिना दिया बिन डिबियारे, इस सलांद को आग लगा दे क्रांति के अंगारों से। ये उद्घोष करने वाले थे बाबूजी। सामान्य परिवार में जन्म लेके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक का सफर, और उसमें भी अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो, ये उनका संकल्प था। और ये संकल्प उनके बिना पूरा नहीं हो सकता था। इसलिए जिस दिन शिलान्यास हो रहा था, बड़े संतोष के भाव से उन्होंने कहा था कि आज मेरे जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया। यहाँ उमड़ती जनमेदनी ये बताती है कि सक्रिय राजनीति से दूर रहने के बावजूद भी कुछ दिनों वो कितने लोकप्रिय थे। मैं अपनी ओर से और मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। प्रभु दिवंगत आत्मा को शांति दे, ये प्रार्थना करता हूँ। जहाँ तक राम का नाम, वहाँ तक कल्याण सिंह जी का नाम, मध्य प्रदेश की सरकार भी क्या कुछ करेगी कल्याण सिंह जी के नाम पर? उनके विचार और उनके कृतित्व के आधार पर निश्चित तौर पर विचार करके हम फैसला करेंगे।